सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका टेकली 360 यूट्यूब चैनल में। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SEO टूल के बारे में। तो फाइनली अगर आपका ब्लॉग ब्लॉगर पे है तो इजीली आप अपने ब्लॉग में SEO टूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आपका एडसेंस अप्रूव्ड है ब्लॉग तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर भी अच्छी बात है, आप अच्छी खासी ट्रैफिक भी ला सकते हैं इस टूल के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास एक यहाँ पे साइट है android.in करके, और फाइनली यहाँ पे मैंने इस टूल्स का एक ऑप्शन लगाया हुआ है जहाँ पे मैंने बहुत सारा टूल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं मीटा टेक्स्ट जनरेटर है, ट्राई एडिटर है, कलर पिकर, एलेक्सा रैंक चेकर, वर्ड काउंटर वगैरह, सारा का सारा यहाँ पे टूल अवेलेबल है। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने ब्लॉग में इन सभी टूल्स को ऐड कर सकते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे एक ब्लॉग का डेमो देने वाला हूँ। फाइनली मेरे पास मैंने एक ब्लॉगर का जो टूल है, फाइनली मैंने वर्डप्रेस में ये टूल को इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। फाइनली नाम है मीटा टेक्स्ट जनरेटर टूल फॉर ब्लॉगर। तो फाइनली आप कैसे इस टूल को इजीली अपने वर्डप्रेस के बगैर ब्लॉगर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फाइनली आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये टूल जो है यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं जब भी हम इसे ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार के दिखेगा। और फाइनली देख सकते हैं URL जो है वर्डप्रेस का है, .htm है, .html नहीं है। तो फाइनली वर्डप्रेस का साइट है। और तो फाइनली अगर कैसे आप अपने ब्लॉगर के साइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लाइव डेमो है, सारा का सारा आप जो भी एंटर करने के लिए बोला जाएगा, सारा का सारा एंटर करने के बाद रोबोट को आपको यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट करना है और क्रिएट मेटा टैग्स पे क्लिक करना है और सिंपली ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो भी मेटा टैग मिलेगा इजीली आपको जाके हेड टैग के नीचे पेस्ट कर देना है। और एक SEO टूल है ब्लॉगर के लिए, फ्री SEO टूल है। तो फाइनली आपको कैसे अपने ब्लॉगर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो ये बात को हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस आर्टिकल को ओपन करना है। इस आर्टिकल का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आर्टिकल को ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एमेड दिस टूल इन योर पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं तो आपको नीचे यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रिप्ट मिलेगा, आपको इस स्क्रिप्ट का यूज करना है। तो फाइनली हम सबसे पहले इस स्क्रिप्ट को हम सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेते हैं और Ctrl+C के साथ सिंपली हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपली हम अपने ब्लॉगर के ब्लॉग में जाते हैं। और फाइनली मैं दिखा दूं, मैं अपना ब्लॉग ओपन करके, मेरा जो ब्लॉगर ब्लॉग है कुछ इस प्रकार से blogspot.com करें हमसे। तो फाइनली अगर आपने newspaper 9 थीम अभी तक बाई नहीं किया तो newspaper 9 थीम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड जस्ट कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा, आपको अप्लाई करने के बाद 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, आप जाके अभी बाई कर सकते हैं, नहीं तो बाद में सिंपली इसका प्राइस चेंज भी हो सकता है। तो फाइनली सबसे पहले आपको दिखा दूं, मेरा साइट कुछ इस प्रकार से, मैंने डेमो साइट लगाया हुआ है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपने न्यू पोस्ट के सेक्शन पे, और फाइनली जो यहाँ पे मैंने हमने स्क्रिप्ट कॉपी किया था सिंपली आपको इसे यूज़ करना है। फाइनली मान लीजिए अगर आपको कोई आर्टिकल लिखे कुछ इस प्रकार से आपका आर्टिकल है तो सिंपली हम जाते हैं अपने यहाँ पे और सिंपली आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा आर्टिकल है और हमें नीचे भी आर्टिकल, तो सिंपली हमें इस आर्टिकल के बीच में हमें इस टूल को ऐड करना है। तो फाइनली हम किसी मार्किंग दे देते हैं और चाहे तो विदाउट यहाँ पे कुछ लिखे भी आप इस टूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले आपको HTML वाले सेक्शन पे जाना है और Z को जितना भी सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो फाइनली देख सकते हैं जो हमारा आ चुका है, जो टूल यहाँ पे हमारे पोस्ट के अंदर फाइनली इम्प्लीमेंट हो चुका है। अगर आप चाहे तो सिंपली आपको यहाँ पे पूरा क्लियर करके भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लिखना है, सिर्फ पोस्ट को यहाँ पे ऐड करना है, तो आपको HTML में जाना है और जितना भी कोड मिलेगा सारे का सारे हटा देना और सिंपली Ctrl+V करके पेस्ट करके सिंपली आपको यहाँ पे पब्लिश वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। आप चाहे तो ऊपर नीचे यहाँ पे एडसेंस का कोड लगा के अर्निंग कर सकते हैं। तो फाइनली हम जाते हैं यहाँ पे व्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये टूल हमारे ब्लॉग में अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है नहीं। तो फाइनली देख सकते हैं फाइनली पूरे का पूरा यहाँ पे अच्छी तरीके से शो हो चुका है हमारा, देख सकते हैं, और पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव है। हम थोड़ा यहाँ पे चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव कितना है, और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे जो साइट है पूरा रिस्पॉन्सिव ओपन हो रहा है। तो आप कैसे इजीली इसे कर सकते हैं, तो फाइनली हमें जाना है नीचे, और नीचे जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे टाइटल की जगह टाइटल, आपको जो भी आपका जो भी कस्टमर आता है या जो भी यहाँ पे यूजर आता है आपको वहाँ पे एंटर करना है। और फाइनली आपको इसी ऑल सेलेक्ट करके क्रिएट मेटा टैग पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। और आपको सिंपली आपके पोस्ट के अंदर एक SEO टूल फ्री में यूज करने को मिल जाता है। तो इजीली इस प्रकार से देख सकते हैं और आपका यूजर इजीली बहुत अच्छी तरह से समझ भी सकता है, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव होने के कारण यहाँ पे SEO फ्रेंडली भी होगा और ये रैंक भी जल्दी करेगा और अच्छी खासी आप ट्रैफिक भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से इजीली कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।